दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के 10 सबसे बेहतरीन किड सिंगर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टॉप 10 बेस्ट इंडियन किड सिंगर। नंबर 10, साईशा गुप्ता। दोस्तों मिलिए भारत के छोटे से गांव मोहाली से ताल्लुक रखने वाली साईशा गुप्ता से, जिन्हें पहली बार सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 में पहली बार देखा गया था, और जहां इन्होंने अपने पहले ऑडिशन में अपनी सुरीली आवाज में सवार लूं लू तेरा नामी सॉन्ग से परफॉर्म किया था। दोस्तों इस सॉन्ग की बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद जज के साथ इन्हें दुनिया भर में काफी ज्यादा पसंद किया जाने लगा। दोस्तों साईशा गुप्ता इस वक्त 8 साल की है, और जबकि कहा जाता है कि साईशा ने सिर्फ 4 साल की उम्र में अपने सिंगिंग करियर का डेब्यूट शुरू कर दिया था। नंबर 9, प्रांजल विश्वास। दोस्तों प्रांजल को अगर जूनियर नुसरत फतेह अली खान कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रांजल कवाली को इस तरह परफॉर्म करते हैं कि मानो के कोई प्रोफेशनल सूफी म्यूजिशियन है। दोस्तों प्रांजल विश्वास को पहली बार साल 2019 में सुपर सिंगर जूनियर शो में देखा गया था, और जिसके बाद इन्हें सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 में भी देखा गया। दोस्तों प्रांजल इस वक्त 12 साल की है, और जबकि इनका ताल्लुक भारत के छोटे से गाँव नदिया से है। नंबर 8, शकीना मुखिया। दोस्तों मिलिए भारत की एक और बेहतरीन सिंगर से, जिन्हें पहली बार आज से 4 साल पहले दी वॉइस इंडिया किड्स शो में देखा गया था, और जहां इन्हें पहली बार अपनी सुरीली आवाज में कैसी पहेली जिंदगानी नामी सॉन्ग के साथ परफॉर्म करते देखा गया था। दोस्तों शकीना इस वक्त 14 साल की है, और जबकि ये हमें आजकल अपने खुद के ही डेब्यूट सॉन्ग के साथ सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नजर आती है। नंबर 7, मनी धर्मकोट। दोस्तों पंजाब के छोटे से गांव धर्मकोट से ही ताल्लुक रखने वाले 12 साल मनी धर्मकोट को भी पहली बार सुपरस्टार सिंगर 2 में देखा गया था, और जहां इन्हें पहली बार तेरे बिन नामी सॉन्ग से परफॉर्म करते देखा गया था। दोस्तों मनी धर्मकोट इस वक्त 12 साल के हैं, और जबकि ये गुजराती मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस और फैमिली सपोर्ट की वजह से मनी धर्मकोट ना सिर्फ अपने गांव धर्मकोट में बल्कि दुनिया भर में काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं। नंबर 6, अंशिका चोनकर। दोस्तों हमारी लिस्ट पर नंबर 6 पर अंशिका चोनकर आती है। दोस्तों अंशिका इस वक्त 17 साल की है, और जबकि इन्हें पहली बार 12 साल की उम्र में दी वॉइस इंडिया किड शो में देखा गया था, जिसके बाद इन्हें बेस्ट परफॉर्मेंस और अपनी सुरीली आवाज के साथ साल 2021 में सारे गामा शो में प्यार ना हो तो जिंदगी क्या है नामी सॉन्ग के साथ परफॉर्म करते देखा गया। नंबर 5, माधव अरोरा। दोस्तों माधव एक स्टैमर है, यानी कि एक ऐसी बीमारी का शिकार है जिसमें बात करते हुए इंसान अटकता है। लेकिन हैरत की बात तो ये है, माधव स्टैमर होने के बावजूद भी सॉन्ग को इस तरह परफॉर्म करता है कि मानो के कोई नॉर्मल बच्चा हो, और यही स्किल और सुरीली आवाज की वजह से माधव को दुनिया भर में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। दोस्तों माधव इस वक्त 15 साल के हैं, और जबकि इन्हें पहली बार दी वॉइस इंडिया किड शो में देखा गया था। नंबर 4, गुंटास कौर। दोस्तों कानपुर से ताल्लुक रखने वाली 19 साल गुंटास कौर, जिन्हें पहली बार दी वॉइस इंडिया किड शो में देखा गया था, और जहां इन्होंने अपने फर्स्ट ऑडिशन में गानी बाबरी सॉन्ग के साथ परफॉर्म किया था, और इसके बाद इन्हें साल 2020 में सुपरस्टार सिंगर सीजन 1 में भी देखा गया, और जबकि ये हमें आजकल खुद के ही डेब्यूट सॉन्ग के साथ सिर्फ सोशल मीडिया पर नजर आती रहती है। नंबर 3, चैतन्या व्यास। यकीनन दोस्तों आप सभी इन्हें पहले से ही जानते ही होंगे, पटियाला से ताल्लुक रखने वाले 14 साल चैतन्या व्यास, जिन्हें पहली बार स्टार प्लस के शो तारे जमीन पर देखा गया, और जिसके बाद इन्हें बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 में भी पार्टिसिपेट किया गया। नंबर 2, आर्यनंदा बाबू। यकीनन दोस्तों आर्यनंदा भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं। केरला से ताल्लुक रखने वाली ये 14 साल लड़की हमें सबसे पहले साल 2017 में दी वॉइस इंडिया किड्स शो में नजर आई थी, और इसके बाद ये हमें साल 2020 में सारे गामा शो में भी नजर आई, और जहां इन्होंने पहली बार फर्स्ट पोजीशन लेकर सारे गामा शो का टाइटल भी अपने नाम किया। अपनी सुरीली आवाज और सिंगिंग स्किल की वजह से ये हमें हाल ही में सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 में भी नजर आ चुकी है। नंबर 1, मोहम्मद फैज। दोस्तों हमारी लिस्ट पर नंबर 1 पर भारत के सबसे बेहतरीन किड सिंगर मोहम्मद फैज आते हैं, जो कि ये हाल ही में सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 का टाइटल भी अपने नाम कर चुके हैं। दोस्तों वैसे तो मोहम्मद फैज 6 साल की उम्र से ही सिंगिंग ऑडिशन का हिस्सा रह चुके हैं,
लेकिन दोस्तों इन्हें शोहरत 14 साल की उम्र में सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 के फर्स्ट ऑडिशन में खामोशिया नामी सॉन्ग से मिली, जिसके बाद इन्हें दुनिया भर में काफी ज्यादा पसंद किए जाने लगा। दोस्तों अगर आप मोहम्मद फैज के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट किड सिंगर के बारे में भी बता सकते हैं।